तो हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं फिर एक पलेज में। ये हमारे खालू की पलेज इधर लगा रखी है घर के पास में, गांव के पास में। ये इधर गांव है। मैं आज आपको बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से 10-12 तरीके की सब्जी लगा रखी है, और कौन कौन सी सब्जी लगा रखी है सबके बढ़िया तरीके से आपको नाम बताने वाला हूँ। नाम क्या, मैं लाइव दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए ये इधर सब्जी तैयार हो चुकी है, और ये शायद कद्दू है, कद्दू की बेल है ना, कदुआ कदुआ। आज उधर क्या लौकी है? चलो आप लौकी दिखाते हैं। लौकी इधर चलते हैं अब लौकी में। और ये पानी लगाया जा रहा है, देखो उधर अंजन चल रहा है। और ये बहुत लंबी प्लेज है, देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक तकरीबन 3 एकड़ में है, 3 किले में। और ये शाम का डैम है, इस साइड में थोड़ी धुंध आ रही है। और ये इधर कद्दू लगा है, और इधर लगा है लौकी। ये लौकी लगा रखी है। जैसे कि कल मैं एक प्लेज में गया था, मैंने आपको दिखाया था खीरा के, वहाँ पर खीरा चालू है, और यहाँ पर अभी खीरा लगा रखा है। यहाँ पर खीरा अभी लगा रखा है, खीरा चालू नहीं हुआ पर चालू हो जाएगा हफ्ते खंड में। वो वाला खीरा ख़त्म होगा, ये वाला तो देखिए दोस्तों, इधर लगा रखी है भिंडी, और ये मेरे को लग रहा है छोटी छोटी भिंडियाँ लगी हैं इसमें, ठीक है। एक आध हफ्ते के अंदर भिंडी आना चालू हो जाएगी, और ये काफ़ी नीचे तक उधर भिंडी भिंडी लगी है। और इधर अगर देखेंगे तो इधर भी काफ़ी दूर तक भिंडी भिंडी दिखाई देगी। चलो तल्ली चले, चलो पीछे पीछे ले ऐसे करके ना। तो यहाँ पर कई चीज़ें, इधर मुझे दिखाओ, मेरी तरफ को दिखाओ, ऐसे ही ऐसे। चलो भिंडी उधर भी दिखाओ, भिंडी उधर मैं दिखाई दे रहा हूँ, सही दिखाई दे रहा हूँ भैया आज आ गए हम बड़ी पलेज में, ला मुझे दे। चलो चलो चल रहे हैं। इधर भिंडियों में पानी लग रहा है, खालू ने पानी लगा दिया हमारे। और हम आए थे वीडियो बनाने स्पेशल इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई कि इंडिया में भी महंगाई होने वाली है, इंडिया में भी महंगाई होने वाली है। ठीक है, इंडिया में महंगाई हो सकती है, पर इतनी नहीं, श्रीलंका जैसे हालात तो नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कई तरीके की सब्जी है। अभी मैं आपको और भी चीज़ दिखाऊँगा, काली तोरी तरबूज लगा। अरे वाह वाह वाह, देखिए छोटे ने हमारे तरबूज देख लिया, बोल रहा है चाचू तरबूज आ गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा बच्चा, ये अभी माल पड़ रहा है इस पर। ये देखिए माल लग गया है तरबूज, ये छोटे छोटे बच्चे आने लग गए तरबूज के, और इसको पानी की बहुत ज़रूरत है सख्त, तो इसको पानी दे रहे हैं। पानी तो दूसरे तीसरे दिन लगाना ही पड़ता है। कई तरीके की सब्ज़ी लगा रखी है, दसियों तरीके की सब्ज़ी लगा रखी है हमारे खालू ने।
और भैया इसको पालने के लिए तो बहुत ही मेहनत करना पड़ती है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। भिंडियाँ बहुत मात्रा में लगा रखी है, भिंडी तोड़ने में भी काफ़ी बंदे चाहिए। आए तो लिम तोड़वाओगे भिंडी, खा लोगे भिंडी तोड़वाओगे? हाँ लड़का कह रहा है तोड़वाएंगे, ज़रूर तोड़वाएंगे। ये उधर खालू घूम रहे हैं और किनारे किनारे मक्का भी लगा रखी है। बहुत बड़ा खेत है यार, इतना बड़ा खेत है बता नहीं सकता, क्योंकि 3 एकड़ खेत है। इसको घूमने घूमने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे ना। और तरबूज जो है, तरबूज वो ज़्यादा कुछ मात्रा में लगाया खालू ने, क्यों तल्ली? तो दोस्तों इधर लगा रखी है काली तोरी, पर काली तोरी बाद में लगाई थी, तो बाद में लगाई थी। इसकी बेलें अभी देखिए छोटी छोटी बेलें हैं, बाद में इसलिए लगाई थी क्योंकि आगे और काम चल रहा था, तरबूज बोना था। इसके चक्कर में काली तोरी लगाने में थोड़ा लेट हो गए, तो इसलिए ही थोड़ी लेट है। और शायद मुझे लग रहा है बीच कुछ मिर्चों के पेड़ भी हैं, हरी मिर्चें भी लगाई थी। देखो इधर काली तोरी में फूल भी आने लग गया, फूल भी लगा काली तोरी में। हमारे इधर तो काली तोरी बोलते हैं। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल आपको दिखाई देगा काली तोरी का, उसके ऊपर फूल लगा है, पर ये कुछ समय बाद ये फूल जो है गिर जाएगा और काली तोरी अपने गिर भी जाते हैं। बहुत सारी पूरी पूरी तोरी हो जाती हैं, नहीं भी गिरते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मगर अभी ये थोड़ा थोड़ा माल इसमें आने लग गया है। ये तस्लीम थोड़ा थोड़ा माल। अब इधर देखिए ये चरी लगा रखी है, कितनी बढ़िया लग रही है तस्लीम, चरी कितनी बढ़िया लग रही है वीडियो में, बिल्कुल हरी 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 हरी। और पानी देखिए भाई साहब, बिल्कुल ज़मीन दिखाई दे रही है और वो सामने इंजन चल रहा है। इधर टेम्परेजी मढ़िया डाल रखी है, जानवरों को हमारे चारों तरफ तार लगा रखे हैं, डंडे गाड़ के, ये डंडे गड़े हैं देखो, चारों तरफ तार लगा रखे हैं, कोई जानवर ना आए, नुकसान ना कर दे, क्योंकि ज़्यादातर गाँव के किनारे जानवर बहुत नुकसान करते हैं, तो इसलिए डंडे लगाना पड़ जाते हैं, क्योंकि भाई जानवर ने जिस बेल पर पैर रख दिया तो वो पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए डंडे उंडे लगाना पड़ते हैं। तो बहुत खर्च भी बहुत आता है और मेहनत भी बहुत करना पड़ती है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया, उधर कुछ आइटम दिखाया और इधर भी कुछ आइटम लगा रखे हैं खालू ने। ये तो चरी लगा रखी है बकरियों वकरियों के लिए, और ये देखिए पानी का जुगाड़, ठीक है मीठा पानी है, इसको चाहें तो यहाँ से भी पी सकते हो, कोई गंदा नहीं है, बिल्कुल चिट्टा पानी है, और अगर चाहो तो वहाँ इंजन के पास भी पी सकते हैं। ठीक है, बढ़िया पानी है। और इधर शायद मक्का है तलीम जी, मक्का के पेड़ लगा रखे हैं, कितनी बढ़िया तरीके से लग रही है, पर मेरे को लग रहा है ये इन्होंने बहुत कम मात्रा में लगाई है, अपने खाने खूने के लिए लगाई है। ठीक है, इतनी भी मक्का बहुत है घर के लिए, क्योंकि आज भी हमारे इधर मक्का के खाने वाले बहुत शौकीन हैं, है नहीं? और ये क्या चाहिए तस्लीम, खीरा हाँ। ये मुझे लग रहा है बाद में लगाया खीरा शायद, हैं चलो चलते हैं, इधर दिखाते हैं, इधर खीरा भी है, ये खीरे की गूल है, ये बाद में लगाया खीरा। और उधर पल्ली साइड में क्या मूली, पूरा ही दिखा देंगे बिल्कुल। आज देखो कितना बड़ा खेत है, और खालू उलू हमारे उधर खड़े हैं, बहुत दूर खड़े हैं, देखो कितनी बड़ी जगह में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो कहाँ पर खड़े हैं, इतनी बड़ी पलेज में, इतनी बड़ी जगह में पलेज करना भी बहुत बड़ी बात है भाई, इतनी बड़ी जगह में सब्जी उगा रहे हैं खालू, हिम्मत को सलाम है उनकी। ओ मुझे घूमते घूमते भाई हाँ पाने लग गई, इतना बड़ा खेत है यार, 3 एकड़ खेत है, चारों तरफ घूम कर आया हूँ मैं, और बीच कुछ में कई चीज़ें तो मैंने दिखाई नहीं आप लोगों को, क्योंकि पानी भर रखा है, बीच में जो पानी रखा है उसमें घुस नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटा खीरा है, और इस साइड में शायद मूली लगा रखी है। ठीक है, और एक जगह देखिए यहाँ पर वो तितिरी दिखाई दे रही है, शायद देती होगी आपको, दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है पता नहीं, पर मुझे दिख रही है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर अंडे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, ये अंडे हैं, अभी कुछ समय पहले तो अंडे थे, अभी पता नहीं इसने बच्चे निकाल लिए नहीं निकाले पता नहीं, पर उसके अंडे हैं ज़रूर वहाँ पर, और हमने उनको छेड़ा भी नहीं, बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं छेड़ा। और ये देखिए हमारे गांव के पानी की टंकी है, अभी इसमें गांव में पानी सप्लाई तो नहीं होता, पर ये चालू है, रेडी है, और हमारे इधर भी कई जगह पर घरों में पानी इसने शायद देना चालू कर दिया। पानी आ रहा है टंकी का तली है, आओ। अच्छा, ये मूली लगाई थी इन्होंने खालू ने, अच्छा इन पर ध्यान नहीं दिया, मूलियों पर यह ख़राब हो गई, इनके ऊपर उधर उस साइड में ठीक है शायद, इस साइड में थोड़ा पानी पूनी नहीं दिया तो ये ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, पर इस साइड में ठीक है, हैं मूली, अच्छा इधर भी मूली है, अच्छा ये तो खाली उन्होंने जोत दिया, पर इतनी इतनी जगह में प्याज वाज लगा देते ना तल्ली, प्याज लगा देते इतनी जगह में, देखिए शायद ये धनिया है, धनिया भी लगा रखा है, देखो कितनी बढ़िया तरीके से, इसकी तो खुशबू ही अलग है यार, जो अपने घर का धनिया होता है ना उसकी तो खुशबू ही अलग होती है, लाजवाब। और भाई कई भाषाओं में इसको बोला जाता है, मैं एक बार मुंबई गया था तो मुझे कोतमीर मैं जो मालूम ही नहीं था कोतमीर किसको कहते हैं, तो भाई धनिया को कोतमीर कहते हैं, हाँ मटर, अच्छा मटर का पेड़, अरे वाह,
देखिए एक मटर भी लगी है, शायद एक ही पेड़ है मटर का ही, और उसमें मटर लगी भी है और बीजे भी बन चुके हैं इसमें, इसमें दाने भी बन चुके हैं। ठीक है, ये भी इधर भी धनिया आया तसली में, ये भी धनिया लगाया इधर, तो धनिया तो काफ़ी काफ़ी लगा रखा है। खैर देखिए ये भी काफ़ी धनिया, पर मैं कहता हूँ खालू से अगर धनिया की जगह प्याज व्याज लगा ली होती तो इतनी जगह में काफ़ी प्याज हो जाती और अच्छे पैसे बन सकते थे प्याज से। चलो ठीक है, धनिया तो कभी इतने पैसे नहीं दे सकता खालू को, पर धनिया लगाया उन्होंने अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर प्याज होना चाहिए थी, या प्याज की जगह लहसुन लगा देते। चलो अब मर्जी है उनकी, जैसा उनके समझ में आया वैसा उन्होंने किया। और ये देखिए किनारे किनारे मक्का लगा रखी है, पूरी पूरी कतई वहाँ तक जहाँ तक खेत का लास्ट है वहाँ तक पूरी मक्का लगा रखी है एकदम ज़बरदस्त। और यहाँ पर कहीं तितरी के अंडे हैं, अब मुझे पता नहीं कहाँ पर हैं, इधर कुछ खीरे की बेलें हैं, इधर तरबूज की बेलें हैं। और मैं चलते हैं तल्ली किनारे किनारे, अब ज़्यादा पलेज में नहीं घुसाऊंगा। अब हम चल रहे हैं थोड़ा उधर खालू की तरफ को, उनसे थोड़ी बातें बूतें करेंगे, पूछेंगे उछेंगे पूछेंगे क्या, खालू तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं यार। तरबूज देखिए कितना बेहतरीन है, कितने बढ़िया तरीके से आ गया, अब इसमें कल के बाद परसों पानी पूनी लगाएंगे और भी बढ़िया हो जाएगा। ये बीच की जो जगह खाली दिख रही है, बिल्कुल जगह खाली नहीं दिखेगी बीच में, क्योंकि ये हफ्ते के अंदर अंदर पूरा भर जाएगा। और ये हमारे गांव के पास में ही है, हम सुबह शाम यहाँ वैसे घूमने उमने के लिए भी आ जाते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, इधर पेड़ के पास में बैठे रहते हैं और खालू से भी थोड़ी बात उत कर लेते हैं, इधर बैठ जाते हैं आगे। तो देखो ये मक्का कितनी बढ़िया तरीके से चल रही है जी ना तस्लीम, अच्छा लग रहा है घूमते हुए ना। मुझे तो यार सब्जी उब्जी के खेतों में घूमते घामते हुए बहुत अच्छा लगता है, और तरबूज तो बहुत ही बड़ी मात्रा में है। मुझे लग रहा था तितरी के जो अंडे हैं वो यहीं कहीं पे हैं, क्योंकि तितरी जो है यहीं घूम रही है पास में, और शायद आपको दिखाई नहीं देती होगी, थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ तो शायद आपको दिखाई देगी तितरी, देखिए यहाँ पर बैठी है, क्योंकि मैंने रियल टाइम उसके अपनी आँखों से अंडे देखे थे कुछ समय पहले, अब से 15 या 20 दिन पहले जब मैं आया था यहाँ पर, और ये तितरी के अंडे शायद यहाँ पर हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम उनको छेड़ेंगे भी नहीं, हमने पहले भी नहीं छेड़ा, हम तो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे निकाल के और आराम से उन बच्चों को लेके उड़ जाए बढ़िया तरीके से, कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि भाई जीव जंतु जितने भी होते हैं हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं, इनको कभी मारना नहीं चाहिए, कभी सताना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग इनको मार देते हैं और ऐसा करना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। ठीक है, चलिए अब अपने आते हैं फिर सब्जी पे। और ये मक्का कितनी बढ़िया लग रही है देखो, एकदम ज़बरदस्त। तरबूज तो पूरा दिखा दिया तसलीम है, सब्जी भी लगा रखी है कई तरीके की, और ये मक्का, किसानी यार इतनी आसान भी नहीं है जितनी लोग समझते हैं, इतनी आसान नहीं है किसानी। और यहाँ भी खीरा तो खालू ने बीच कुछ डाल ही रखा है जहाँ तक, देखिए ये भी एक पूरी पहल खीरे की है, पूरी बढ़िया तरीके से और अच्छा खीरा है, क्योंकि एक खीरे की बात करें तो खीरे की मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें खीरा चालू है और इसमें खीरा आने वाला है, इसलिए भाई इंडिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि 12 महीने आजकल जितनी भी सब्जियाँ 12 महीने हो रही हैं, किसी भी टाइम भी सब्जी हो रही है। हैं क्या लगी तरबूज की, हाँ छोटा छोटा तरबूज लगा है। चलो यार हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, कहाँ पर लगी देखी तूने, वो अपना ने उधर देखी थी एक, लो भाई दसियों तरीके की सब्जी फूड वगैरह लगा रखा खालू ने। और अब इनका अंजन का पानी लगा रहे हैं, पानी शायद लग गया, लगे अभी तो लगा नहीं, इंजन चालू ही है ना तलीम। ये तरबूज भी थोड़ा पानी लगाने लग हो गया, क्योंकि इधर का थोड़ा सूखने लग गया, हाँ इधर देखने लगे इसमें ही पानी लग गया शायद कलूल को ना। इधर का तरबूज थोड़ा हल्का भी है, मक्का बहुत लगाई चारों तरफ,